देखिए फ्रेंचाइजी पे हम विश्वास नहीं करते, हमारी खुद की टीम पूरे भारत में है, हम हर जगह स्ट्रीट प्ले वगैरह करना चाहते हैं, जिसका थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा कि हम इस अभियान को इतनी दूर तक ले जाएंगे जो रियलिस्टिक कास्टिंग होनी चाहिए। रियलिस्टिक जब तक नहीं होगी फिल्म की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी, और रियल लोगों को यहाँ तक लेके आना आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आना चाहते हैं उनके माँ बाप उन्हें आने नहीं देते क्योंकि सिक्योरिटी नहीं उनको दिखती। मैं इस बात से और ये जागरण अभियान से ये बात बता देना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे पास अगर आप काम करने आते हैं आप 100% श्योर एंड सेफ हैं, पैसे की पूरी गारंटी है आपको मिलेगा, आपके साथ में कोई बदसलूकी नहीं होगी और आप पूरी आज़ादी से अपने काम को निभा सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को कास्ट करना चाहता हूं जो कि इंडस्ट्री में आज ढूंढने पे भी नहीं मिलते। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। जैसे अगर आज इंडस्ट्री में 100 साल के बुढ़े या 90 साल के बुढ़े की जरूरत पड़ती है ना, पूरी इंडस्ट्री ढूंढ लेंगे तो तीन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तीन बुढ़े नहीं मिलेंगे। अगर आपको 5 की कास्टिंग करनी पड़ेगी तो आपको मेकअप करना पड़ेगा और वो मेकअप बहुत कॉस्टली होता है, मेकअप को कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अगर मैं कुछ ऐसी जगह पे जाके उनका उनको प्रमोट करता हूँ या वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल कर लाता हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान होगा। जैसे वृद्ध आश्रम्स हैं जहाँ पे बुढ़े ऑलमोस्ट उनकी लाइफ ख़त्म होती हुई दिख रही है, मैं उनके बीच में जाऊँगा, मैं उनको जागरूक करूँगा, ये जागरूक अभियान उन्हें जागरूक करेगा, हमारी टीम उनके साथ जाएगी और उनकी जो आखिरी ज़िंदगी है जितना खुशहाल बना सकूंगा वो मेरे लिए एक कीमत होगा और हमारी कास्टिंग आसान होगी। ठीक उसी तरीके से सड़क पे पड़ते हुए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोई रास्ता नहीं है, जिनको रोटी नहीं मिलती, एक वक्त खा के भी वो स्ट्रीट पे पड़ते हैं, जिनको कॉपी नहीं मिलती, मैं उन बच्चों के बीच में जाकर अपना अभियान शुरू करूंगा, उन बच्चों में टैलेंट ढूंढूंगा, उन बच्चों को कास्टिंग करके दूंगा, जिससे कि आज स्ट्रीट के बच्चे गाड़ी में आने वाले नहीं मिलते, एसी में घूमने वाले बच्चे बहुत होते हैं, मॉडल गाड़ियों में आती है बहुत होती हैं, लेकिन रियलिस्टिक अगर देखी जाए तो उन मॉडल में नहीं है, उन बच्चों में नहीं है। तो मैं उन रियलिस्टिक उन स्ट्रीट के बच्चों को मौका देना चाहता हूं जो कि आए और हमारे इस अभियान में सहयोग दें और हमारी कास्टिंग को आसान बनाएं। नहीं, हम वो हमारे मेजर क्लाइंट्स हैं, जब भी उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आती है तो मुझे बुलाया जाता है, मैं रिक्वायरमेंट को देखने के बाद में उस पर गौर करता हूँ कि कैसे कैसे कास्टिंग करनी होती है, हम उन्हें कास्टिंग करके देते हैं और कंपनी मुझे पैसा देती है। ओके, तो आपको पैसा मिलता है मतलब? ऑब्वियसली कास्टिंग की फीस मिलती है। किस तरह का प्ले करते हैं और आप किस तरह से वो प्ले को प्रमोट करते हैं, सोशल मैसेजेस रहता है क्या है? देखिए ये तो अभी एक सिर्फ उदाहरण है, हम लोगों तक पहुंचने के लिए हम मॉल में जाएंगे, पर्यावरण पे काम करेंगे, हम रोड पे जाएंगे जो सोशल अवेयरनेस होगा, कभी रोड सेफ्टी के कार्यक्रम होंगे, कभी ड्रग्स पे होगा, कभी बाल विवाह पे होगा, कभी बाल मजदूर पे होगा, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट पे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे जो स्ट्रीट प्ले करेंगे जगह जगह जगह, और ये भारत सरकार से हमें मान्यता प्राप्त हो रही है और इस प्ले को हम पूरे भारत में करने वाले हैं। मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है, जितनी भी फीस मुझे प्रोडक्शन हाउस से मिलती है मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों पे और इस पर्यावरण के काम पे, ये सोशल अवेयरनेस पे खर्च होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पॉकेट से करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है।
जो उन्होंने बोला बहुत सही बोला कि जब कोई नया बंदा मुंबई में आता है जो कि एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, उसके पेरेंट्स फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे कुछ करें। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, जो एक स्ट्रगलर और एक आर्टिस्ट के लिए कोऑर्डिनेटर्स के कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हिमालय सर की ये फल्क्रम फिल्म की वजह से जो ये रियलिस्टिक कास्टिंग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हम कोऑर्डिनेटर से बच रहे हैं। और यही सबसे मेन पॉइंट है कि जो फल्क्रम फिल्म हमें प्रोवाइड कर रही है। खड़े हो।